प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आज की वचन की संगति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज भी और एक बार हम लोग परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप भी जहां कहीं भी क्यों न हो, हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम से और एक बार हम तेरी संगति में चले आते हैं। स्वामी, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, तूने हमें वचन दिया, हम तुम्हारे बीच में रहूंगा। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जो मांगो और प्रतीति करो मिल जाएगा। हम जो मांगते हैं स्वामी, तूने हमें वचन दिया, प्रतीति करो तुम्हें मिल गई। ये वचन के अनुसार और एक बार हम तेरी संगति में प्रवेश कर रहे हैं स्वामी। ये वचन के द्वारा जैसी पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, जितने लोग इस वचन की संगति करेंगे उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, ये वचन के द्वारा आपकी मर्जी पूरी हो नहीं पाए। ऐसे या बचपन में ये भी तूने हमें वचन दिया स्वामी, आपकी वचन खाली से नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए आपने भेजा स्वामी, वो काम को वो पूरा करेगा। आज भी जितने लोग ये संगति में रहेंगे, जिस काम के लिए ये वचन को आप भेज रहे, प्रभु का काम को वो पूरी कर नहीं पाए। ये संगति से एक भी जन काली आतों से ना लौट नहीं पाए। वो जो लालसा और प्रभु जी आशा लेकर ये प्रार्थना में इकट्ठे हैं, प्रभु की आत्मा उनके जीवन में ये वचन के द्वारा भलाई कर नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम को महिमा कर नहीं पाए, उनको गवाही में खड़ा कर नहीं पाए, अनुग्रह कर आशीष दीजिए। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा मेरी आत्मा प्रांदे को, मेरी तन मन धन को तेरे हाथ में देते, आप अपने नियंत्रण में लिए हुए इस वक्त अगुवाई कीजिए। आज भी ये वचन के विरोध में, सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की ताकत को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं यीशु नासरी के नाम से। उसकी क्रिया को जड़ से मिटा कर नाकाम करते हैं। प्रभु स्वतंत्र हर जीवन में अपने कार्य को पूरा करके अपना पवित्र नाम को महिमा कर, अनुग्रह कर आशीष कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये संगति में जितने लोग इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को मैं जय मसीह कहते हुए आज की वचन की संगति में आपको हम स्वागत करते हैं। हाँ प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय जैसे पिछले बार परमेश्वर की आशीष का वारिस करके हम जो वचन को अध्ययन किए, उसका दूसरी भाग आज हम देखने जा रहे हैं। हाँ प्रियो, पहला भाग में अनेक लोग ने गवाही दिए हैं, हमें ये बात को बताए हैं, परमेश्वर हमारे साथ बातचीत किया है, बहुत सही सत्यता जो हमें चाहिए प्रभु ने हमें दिया है। हमारे घर की परिस्थिति हम जान गए ये सत्यता के द्वारा करके कई लोग ने गवाही दिए, हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। आज भी उसकी दूसरी बाग को हम अध्ययन कर, आशीष का वारिस इस विषय पर हम देखने जा रहे हैं। बाइबल है तो अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है ये आवाज़ को ध्यान से ख्याल से सुनिए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अपनी मर्जी को पूरी कर नहीं पाए। हाँ प्रियो, बाग एक का जरा सा इशारा देते हुए बाग दो में हम प्रवेश करेंगे। पहला पत्र, उसमें हमने पहला वचन पिछले भाग में पढ़ रहे थे, हमें आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु ने बुलाया। हाँ प्रियो, हमने पहला पत्र उसमें देख रहे थे, 3:9-12 वचन तक, बुराई के बदले बुराई नहीं प्रियो, गाली के बदले गाली नहीं, मुझे केवल आशीष को आशीषी देने के लिए, जो भी है उसके बदले केवल आशीष को देने के लिए परमेश्वर मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु ने अनजाति से मुझे बचाया, जगत की जीवन से मुझे बचाया, पाप से, श्राप से, रोग से,
सब प्रकार की शैतान की फंदे से, दुनिया की जीवन से मुझे बचाकर अपने पास ले आया, क्योंकि मुझे आशीष का वारिस बनाने के लिए। पिछले भाग में अंत में ये भी देख रहे थे, ये एक दिन मनुष्य का हिसाब किताब होगा, उसी दिन भी परमेश्वर दाहिने तरफ वाले से कहेंगे। मत्ती 5:25 का 25 अध्याय में ये बात को देख रहे थे, हिसाब किताब का दिन है। दाहिने तरफ भी एक झुंड है, बाएं तरफ एक झुंड है। दाहिने तरफ वालों को प्रभु ने कहा, ए पिता की ओर से धन्य व्यक्ति, आशीष पाया वा लोग, दुनिया के आराम से जो आपके लिए तैयार किया गया है, इस आनंद में प्रवेश करो। हाँ प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। और बाएं तरफ के लोगों को प्रभु देखकर ये भी कहा, ये श्रापित लोग, शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार किया वह उस आग में जावो करके उनको विदा करते हुए हम देख रहे हैं। आशीष का वारिस होना कितना मुख्य है, ये हम पिछले भाग एक से हमने सीखा है। इसलिए बैठने के समय, उठने के समय जो संगति प्रभु दिया, जो वचन का जीवन प्रभु दिया, जो प्रार्थना का जीवन प्रभु दिया, वो रविवार की संगति सामूहिक में क्यों ना हो, या घरेलू प्रार्थना प्रतिदिन बैठने वाला झुंड की प्रार्थना में क्यों ना हो, मुझे आशीष देने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, आशीष होने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। हाँ प्रियो, जो आशीष का वारिस है वही एक दिन प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। इस आशीष का जीवन से जो गवा कर या भटक कर जो जी रहे हैं, उनको श्रापित शैतान के लिए तैयार किया हुआ उस अनंत काल की आग के कुंड में जाना अवश्य है। मत्ती 25वां अध्याय से यीशु मसीह सत्यता को हमें जिस सरल ढंग से मुझे समझना चाहिए, प्रभु ने वहां पर हमें सिखाया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम इस आशीष का वारिस में मजबूत होकर, स्थिर होकर, दृढ़ होकर, ये जीवन को प्रभु में सफल करके, जय पाकर, एक दिन प्रभु का राज्य में पहुंचने के लिए, जब तक पृथ्वी में जिंदा है, हम प्रभु की भरपूर आशीष में जीने के लिए हम आज के वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। हम इस आशीष का वारिस में अब्राहम की जीवन को उत्पत्ति 12वां अध्याय से हमने सीखा है। हाँ प्रियो, आज वो उत्पत्ति 12वां अध्याय को नया नियम तक किस प्रकार प्रभु ले आया और हमें समझाया अब्राहम के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, आज ये आशीष हमारा करके जिस तरह बाइबल प्रमाणित करके रखा है, ये सत्यता को हम पहला भाग में देखे हैं। अगर कोई नहीं देखे, कृपया भाग एक को जरूर सुनिए, तब ये वचन भी उसके साथ आपको सहायता करेगा। ये सत्यता के अनुसार आप आशीष का वारिस होकर प्रभु के साथ रहें, एक दिन प्रभु के पास युगानुयुग का जीवन में प्रवेश करें, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आइए प्रियो, आज भी हम रोमियो 4 अध्याय को देखने जा रहे हैं। हम कैसे आशीष का वारिस बनेंगे, इसके लिए भी प्रभु ने अब्राहम का जीवन को उदाहरण में, गवाही में, आपके लिए, मेरे लिए, इस अंतिम समय में जीने वाले अपने लोगों के लिए प्रभु ने लिख कर दिया है। आइए हम रोमियो 4 अध्याय वहां 16वां वचन से लेकर 24वां वचन तक पढ़ने जा रहे हैं। घर में आराम से बैठ के पढ़िए। यहां पर प्रभु ने सत्यता, इस आशीष का वारिस अब्राहम के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, हम जब आशीष का वारिस बनते हैं अब्राहम के जैसे, वो हमें यहां पर प्रभु सिखाते हैं। क्योंकि कई लोग का कहना पहला किताब में हुआ है, वो अब्राहम पुराना समय का है, पुराना नियम नया नियम एक नहीं है। कई लोग इस तरह सत्यता को गड़बड़ करते हैं, वो नहीं है, ये नहीं है, ये है, वो है। इसलिए सत्यता को परमेश्वर भी अंतिम समय में ये सब बात होगी मालूम होने के कारण, वो सब सत्यता अभी तक कितना मुख्य है, अंतिम समय में जीने वालों के लिए कितना मुख्य है, इस मुख्यता को
परमेश्वर लिख कर दिया। पहला भाग में भी इसका साबुत को हम रोमियों की किताब से, गलातियों की किताब से हम पढ़ कर आपको सुनाए थे। आज भी रोमियों में जिस तरह परमेश्वर ये ज्ञान को सरल रीति से रखा है, ये सत्यता को समझकर हम प्रभु में आशीष का वारिस का जीवन को सफलता के साथ, विजयता के साथ जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेंगे। आइए प्रियम 16वां वचन को रोमियों 4:16 से लेकर धीरे धीरे हम पढ़ने जा रहे हैं। मूल मूल शब्द को केवल हम पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर में आप आराम से बैठ करके वो 16 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सत्यता को और सरल ढंग से समझने के लिए। अभी ये वचन में जो चाहिए मूल बातों को हम पढ़ रहे हैं, 4:16। इसी कारण जो आशीष का वादा प्रभु ने किया विश्वास पर आधारित है। जो आशीष का वादा, आशीष का वारिस होंगे, ये विश्वास का आधारित है। प्रिय जितने लोग ये संगति में हैं, प्रभु कहता हम आपको आशीष का वारिस होने का रास्ता खोल दिया। कलवारी क्रूस पर हम उस काम को पूरा भी कर लिए। अब्राहम के द्वारा मसीह यीशु आपके कारण क्रूस पर अपना प्रायश्चित का काम करके अपना जीवन को आपको जीवन देने के लिए कुर्बान करने के कारण मसीह यीशु के द्वारा यह आशीष हमारा हुआ है। गलातियों में यह सत्यता को सरल रीति से हमने पिछले भाग में देख रहे थे। यहां प्रभु कहता है आशीष का वारिस होना है तो आपका विश्वास बहुत मुख्य है। यह विश्वास पर यह आशीष का वारिस होने की बात है। हम प्रियम बाइबल बतलाती है, हम जरा सा आगे पढ़ने के लिए जा रहे। अब्राहम को ना उसकी वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई है, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली है। विश्वास की प्रतिफल से अब्राहम आशीष का वारिस बना। अब्राहम भी आशीष का वारिस बना, विश्वास के द्वारा जीता है। आज भी मेरा विश्वास के द्वारा ये आशीष की संभावना है। पहला गवाही, विश्वास को ध्यान रखना, फिर हम पढ़ते जाएंगे, आपको ये सत्यता समझने में और आसान लगेगा। 17 पढ़ रहे हैं। 16:17 को लगातार हम पढ़ रहे हैं प्रिय। इसी कारण विश्वास का वारिस विश्वास पर आधारित है। दूसरा, न कि केवल उसके लिए व्यवस्था वाला, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं। वो ही तो हम सबका विश्वास का पिता है। दो बात 16वां वचन में प्रभु यह आशीष को पाना विश्वास की आधारित, दूसरा अब्राहम के जैसे विश्वास करने वाला सब ये आशीष का वारिस होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास की गवाही में अब्राहम को विश्वास का पिता बना के रखा है। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रियो, विश्वास की आधारित आशीष का वारिस होने की बात है। वो विश्वास किस प्रकार करना, अब्राहम के जैसे विश्वास करने वाला, जैसा वो आशीष का वारिस बना, उसी तरह प्रभु के लोग, इस अंतिम समय में जीने वाला प्रभु के लोग भी आशीष का वारिस बनते हैं, परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, आज कई लोग बोल सकते हैं हम भी विश्वास करते हैं, हम विश्वास में क्या कमी छोड़े हैं, क्या कमी छोड़े हैं। विश्वास करते हैं तभी तो हम बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं तभी तो हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं तभी तो हम चर्च आए हैं, तभी तो हम घरेलू प्रार्थना में आए हैं, विश्वास करते हैं तब तो आज हम प्रभु के पास है ना, हम नहीं करते तो कैसे। नहीं प्रियो, याकूब 2 अध्याय को 19 से लेकर 22 तक आराम से बैठ कर घर में पढ़िए। 19 में लिखा, शैतान भी विश्वास करता है। ये की प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जो आप विश्वास करते हैं, बाइबल याकूब 2 अध्याय 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे, शैतान भी करते हैं। वहां वर्णन है आपका क्रिया में विश्वास होना चाहिए, क्रिया बिना विश्वास मरण वाला विश्वास, मरण वाला विश्वास में परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विश्वास करते हैं
मरल वाला नहीं होना चाहिए। बोलेंगे ये समस्या लेकर आए प्रभु मुझ पर दया करना, जम के एक घंटे प्रार्थना होगा, उपवास की प्रार्थना होगा, सब प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में समस्या देने के बाद भी प्रतीति करके प्रभु तूने हम पर भलाई किया, धन्यवाद 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 बोलने के बाद भी प्रार्थना खत्म हो गया, फिर वही अविश्वास की बात। यही करनी में विश्वास मरा हुआ है। अब प्रार्थना कर रहे हैं यह समस्या से मुझे बचाइए, यह समस्या को पार करने में मदद कीजिए, यह समस्या को हल कीजिए, आपने मदद किया स्वामी, दया किया स्वामी, सहायता किया, हम प्रतीति करते मत्ती 18:19-20 के अनुसार धन्यवाद 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 धन्यवाद, सब प्रार्थना खत्म हो गया आमीन, फिर वही पूरा नाम क्या करे हमारे घर में यह समस्या, हम क्या करें? सब प्रभु को बताकर प्रतीति करके धन्यवाद देने के बाद ये मरल वाला विश्वास। बाइबल में लिखा है समुएल का मां जब प्रार्थना की संतान के लिए, बाइबल बतलाती है रो रो कर प्रार्थना, इतना रो कर प्रार्थना की, प्रभु का भक्त चर्च में सोच रहा था ये शायद पी कर आई है, उस तरह उनको अपना दुख को प्रकट करके आंसू से भरे हुए स्थिति में प्रार्थना कर रही थी, लेकिन बाइबल बतलाती है वहां से उठने के बाद अपने को स्थिर की, फ्रेश हुई, आगे आंसू नहीं बहाई, क्योंकि विश्वास करके प्रतीति की, हमने प्रभु के शरण में संगति में भवन में अपनी निवेदन को रख दिया, अब वो पूरा करेगा। अगला साल ऐसा बेटा प्रभु दिया पूरा देश के लिए आशीष का कारण हो गया। जिंदा विश्वास, जिंदा विश्वास, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम यहां पर अब्राहम के जैसे विश्वास करने वाला, अब्राहम जैसी आशीष का वारिस बना, वे भी आशीष का वारिस बनेंगे बोलकर 17 से लेकर परमेश्वर 22 तक अब्राहम जैसा विश्वास करके आशीष पाया करके उनकी गवाही को लिखे हैं। आज हम उस गवाही को सीखने जा रहे हैं, उनके जैसे आज उसी तरीके से हम भी विश्वास का प्रार्थना अब्राहम के जैसे करेंगे, हम भी आशीष का वारिस बनकर जय के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये विश्वास की प्रार्थना जैसा अब्राहम किया प्रभु लिखकर भी दिया, इसी तरह आपकी प्रार्थना होगा, आप भी अब्राहम के जैसे आशीष का वारिस बनेंगे करके प्रभु ने हमें वचन दिया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रियो, नंबर एक, पहला 17 में अब्राहम अपना प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना आरंभ कर रहे हैं। गवाही नंबर एक, जैसा लिखा है मैंने तुझसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। विश्वास का बाप, प्रभु कहा आपको विश्वास का बाप, आशीष का श्रोता का बाप आपको ठहराया, पृथ्वी की अंतिम आदमी जो प्रभु के पास जाएगा वो आपके द्वारा आशीष पाकर जाएगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। यह कैसे संभव ना है? गलातियों में पिछले बार पढ़ रहे थे अब्राहम में जितनी सारी आशीष है यीशु मसीह के द्वारा हम आज अपनाते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। 17 में जैसा लिखा है अब्राहम को विश्वास का बाप का जगह में, गवाही का जगह में प्रभु रख दिया, अब उनकी प्रार्थना नमूना की, गवाही की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना आरंभ है। वो परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जिसने आप विश्वास किया, मना अब्राहम ने प्रभु के सामने विश्वास किया, किस प्रकार का विश्वास किया? जो मरे हुओं को जिलाया है और जो बातें ही नहीं है उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है, जो है ही नहीं है है बोलकर बुलाने का विश्वास का प्रार्थना की अंगीकार अब्राहम ने किया है। हम वो परमेश्वर को आराधना करते हैं, आज हम मांगते हैं, आज मेरे पास नहीं है लेकिन उसने मत्ती 18:19-20 में सिखाया प्रतीति करो तुम्हें मिल गया, आज मेरे पास नहीं है। जब आप प्रभु के पास प्रार्थना कर चुके हैं, नहीं है लेकिन है करके बुलाने वाला परमेश्वर, विश्वास का पहला गवाही का प्रार्थना
आज का दिन में अपना निवेदन को, प्रार्थना को प्रभु के पास आप रख रहे हैं प्रियो, रख रहे हैं। अब्राहम अभ्यास किया गवाही का पहला कदम, आज उनके पास बेटा नहीं है, यहां विषय बेटा का, एक संतान का, बड़ा अमीर आदमी है, इसके घर में ही अनगिनत सेवक, सेवा करने वाला भाई बहन लोग काम कर रहे हैं, एक बड़ा अमीर आदमी है, अगला वारिस नहीं है। प्रभु ने इनको वचन दिया, प्रभु खुद इनको दिया, आपको हम बेटा देंगे, अगर आसमान की तारागण को गिन सकते हैं तो गिनो, नहीं संभव है। बालू, समुद्र की बालू को गिन सकते तो गिनो, नहीं संभव। उस तरह अनगिनित आपके द्वारा वंश पूरे पृथ्वी में होगी, तुम विश्वास का बाप होंगे, तुम्हारे द्वारा, तुम उन आशीष का मूल जड़ होगा, तुम्हारे द्वारा जो आशीष आज हम आपके घर में दे रहे हैं, आपके वंश के द्वारा पृथ्वी के कोने कोने, मनुष्य तक, घर तक, परिवार तक ये आशीष पहुंचेगी। गलातियों में पढ़ रहे थे प्रभु यीशु के द्वारा, ये वचन को पहले ही प्रभु लिखकर भविष्यवाणी में अब्राहम को बताया। अब्राहम पहला एक विश्वास का प्रार्थना किया, जो है ही नहीं, जो आज का डेट में वह जिस समस्या के लिए प्रार्थना कर रहा, संभव नहीं है, यह पूरी नहीं हो सकती है, ये कठिन नजर आ रही है, असंभव नजर आ रही है, नकाम नजर आ रही है, आशा रहित नजर आ रही है, यह होने की बात नहीं है। तो भी अब्राहम विश्वास किया, हमने प्रभु से जो मांगा वो है करके विश्वास किया जब नहीं था। तो ये यही विश्वास है, देखकर जो बोलते वो विश्वास नहीं है। जब ये चीज नहीं रहती है, प्रभु मुझे दे दिया, मत्ती 18:19-20 में जो प्रार्थना यीशु ने सिखाया, प्रभु ने दे दिया करके जो प्रतीति करते हुए विश्वास करते हैं, यही विश्वास का पहला कदम। अब्राहम इस काम को किया। दूसरा एक नियम को पकड़ा, कौन नियम को अब्राहम पकड़ा, हम 18 वचन को 4 में पढ़ने जा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, क्या विश्वास किया, उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता है। जब एक बेटा नहीं है, बहुत जातियों का पिता बनेंगे, तुम्हारा वंश ऐसा होगा। वचन के अनुसार निराशा में भी विश्वास किया, परमेश्वर की वचन पर विश्वास, निराशा में भी परमेश्वर की वचन पर ऐसा विश्वास किया, मुझे संतान होगा, हम सभी जातियों को, सारे जातियों का, विश्वास का पिता का गवाही में हम होंगे। वचन के अनुसार निराशा नकाम का समय में भी अब्राहम विश्वास किया, आशा भरी भी विश्वास किया। पहला कदम में विश्वास का नियम जो है ही नहीं है, अपने परमेश्वर को है करके धन्यवाद दिया। दूसरा, परमेश्वर की वचन के अनुसार निराशा नकाम खत्म स्थिति, तो भी वचन के अनुसार मुझे एक बड़ा वंश बनाएंगे। हम यहां पर लिखा है, हम वचन के अनुसार प्रभु तेरा वंश होगा करके बताया, हम बहुत सी जातियों का पिता बनकर, आशीष का श्रोता बनकर, विश्वास का बाप का गवाही बनकर हम इस पृथ्वी में खड़े रहेंगे। विश्वास का तीसरा नियम प्रियो, यहां 19वां वचन को हम पढ़ रहे हैं। वो जो 100 वर्ष का था, अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा का गर्भ की मरे हुए की दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, अपना शरीर की मरल वाला स्थिति को जानते हुए, अपना पत्नी सारा का गर्भ मरे हुए स्थिति को जानते, मन खत्म की स्थिति जानते हुए, संभव नहीं है, इनका शरीर भी बुढ़ा हो गया, 100 साल हो गया, वचन साल को इशारा करते, 100 साल का बुढ़ा हो गया, अपना शरीर का अंग खत्म हो गया, वो बुढ़ी हो गया, अपना गर्भ खत्म हो गई है, तब भी विश्वास को कमजोर होना नहीं दिया। खत्म स्थिति में भी सब कुछ खत्म है, कुछ भी
नजर नहीं आ रहा कुछ होते ही वे, जो बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो विषय विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जो काम होने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल असंभव नजर आ रही है, खत्म स्थिति नजर आ रही है, ये कुछ भी संभव ना नजर नहीं है, तो भी विश्वास को कमजोर होना नहीं दिया। तीसरा कदम में अब्राहम जय पाया, पहला जो है ही नहीं है, है धन्यवाद, हमने प्रतीति किया, प्रभु मुझे दे दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये समस्या को प्रभु ने हल कर लिया, धन्यवाद मेरी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया, धन्यवाद प्रतीति करके प्रभु को धन्यवाद, जब जो है ही नहीं है, है बोलकर प्रभु को धन्यवाद किया, महिमा किया करके वचन बतलाती है। दूसरा निराशा की स्थिति में वचन के अनुसार, वचन में क्या है? तुम एक बड़ा वंश होगा, पृथ्वी तुम्हारे कारण आशीष पाएगी, तुम इन सारे जातियों का पिता कहलाएंगे, विश्वास का बाप का, ये वचन के अनुसार विश्वास किया, विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया, आशीष बरीवी प्रार्थना किया, आशा बरीवी प्रार्थना किया। मालूम है मैं अपना स्थिति खत्म है, मालूम है पत्नी का स्थिति खत्म है, तो भी विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है 20वां वचन में, ना अविश्वासी होकर या संदेह होकर परमेश्वर की योजना पर या योजना से भटकने का काम किया या प्रभु से दूर होने का काम किया, ना संदेह को आशीष का वारिस होने में ना जगह दिया, क्योंकि याकूब पहला अध्याय में लिखा संदेह करने वाला ये जान ले, क्या जान ले, प्रभु से कुछ पाने का आशा ना रखेंगे। अच्छा, संदेह करने वाला आशा ना रखें, प्रभु से कुछ पाए, याकूब पहला अध्याय में प्रभु ने यह बात को सिखाया, ये संदेह को ना आने दिया, ना अविश्वास को आने दिया। बाइबल यहां बतलाती है विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया है, जो है ही नहीं है, है बोलकर प्रभु को धन्यवाद देने का विश्वास का प्रार्थना, पहला कदम विश्वास का, विश्वास की प्रार्थना के बारे में जानना है। यहां अब्राहम की विश्वास का प्रार्थना को प्रभु लिखकर कहा, अब्राहम के जैसे जो विश्वास करेंगे वे आशीष का वारिस कहलाएंगे या बनेंगे, अब्राहम के जैसे आशीष पाएंगे। पहला उस गवाही का पहला जो है ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, है बोलकर प्रभु को धन्यवाद, विश्वास में धन्यवाद। दूसरा निराशा का समय भी वचन के अनुसार आशा भरी भी प्रार्थना का अंगीकार, विश्वास का तीसरा गवाही उन्होंने वहां पर रखा। मालूम है अपना स्थिति खत्म है, पत्नी का स्थिति खत्म है, तो भी अपना विश्वास को कमजोर होना नहीं दिया। चौथा विश्वास का प्रार्थना का नियम, ना अविश्वास को आनंद दिया, ना संदेह को आनंद दिया, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने का काम किया जब कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब बातें पांचवा 21 निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रभु से आशा रखी और बाइबल बतलाती है उसे पूरा करने का भी सामर्थ्य है। जो प्रतीक्षा प्रभु ने दिया है, जो वादा प्रभु ने दिया, जो आशीष का वचन प्रभु ने दिया, यहां वचन वो निश्चय पूरा करेंगे, उसको पूरा करने के लिए मेरा प्रभु के पास सामर्थ्य है। जब यही विश्वास का प्रार्थना को स्वर्ग ने देखा, प्रभु ने देखा, वहां पर वचन 22 में लिखा इस कारण, इस विश्वास का अंगीकार की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने 22वां वचन में उसको धार्मिकता आशीष का वारिस होने के लिए अब्राहम को घीन लिया, योग्य बना दिया। हां प्रियो, बाइबल बतलाती है इस विश्वास की प्रार्थना को परमेश्वर ने योग्य गिनकर दिया हुआ वचन के अनुसार अब्राहम को प्रभु ने आशीष का वारिस बनाया। आज वही प्रभु हमें वचन 16 में 4:16 रोमियो में
याद दिलाया, इस अब्राहम जिस तरीके से 17 से 22 तक आपने पढ़ा, इस तरीके से जब आप भी विश्वास का प्रार्थना करेंगे, आप भी उनके समान आशीष पाएंगे, आपको भी आशीष का वारिस होने के लिए योग्य बनाया जाएगा, आप भी उनके जैसे बनेंगे, जो पहला पत्रुस तीसरी अध्याय में आप देख रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। आम प्रियो, हम सीधे वहां पर, यहां अब्राहम ने जो विश्वास की प्रार्थना किया है, प्रार्थना करके कैसा आशीष का वारिस बना है, हमने ये घटने में यहां पर देखा। अभी ये घटने को सीधा उत्पत्ति 21 में हम पढ़ने के लिए जा रहे, परमेश्वर इनके साथ किस प्रकार काम किया, ताकि इन लोगों को प्रभु किस प्रकार गवाही में खड़ा किया, प्रभु की महिमा हो नहीं पाई। उत्पत्ति 21वां अध्याय को, इस घटना को वहां पर हम सीधे देखेंगे, खोलेंगे। उत्पत्ति 21वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर किस प्रकार, वह हम प्रार्थना को देख रहे थे, यहां प्रभु का काम, उस प्रकार विश्वास की प्रार्थना, किस तरह हम जय पाकर प्रभु को मेरे जीवन में काम करने के लिए सहायता करने का जगह में आते हैं, वचन को पूरा करने का जगह में, आशीष का वारिस होने की जगह में हम कैसे आते हैं। प्रभु अभी बर्ताव का ये विश्वास का प्रार्थना में जब अब्राहम जय पाया, प्रभु जिस तरह यहां वचन एक से काम कर रहे हैं, उत्पत्ति 21 एक से लेकर 21वां अध्याय एक से लेकर, यहोवा ने अर्थात परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की स्तुति ली। पहला वचन, जैसे हमने अब्राहम आपको वचन बताया ना, वचन के अनुसार हम आपको याद किया आशीष का वारिस होने के लिए। प्रभु कुछ भी करेंगे वचन के अनुसार करेंगे। अब्राहम इस बात को जानते थे, विश्वास किए थे, इसलिए वहां पर हम पढ़ रहे थे, वहां पर विश्वास में दृढ़ होकर सत्य जो वचन प्रभु ने दिया है उस वचन पर विश्वास करके अपना विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया। ये वचन जैसा प्रभु ने कहा, निराशा का समय पर भी आशा भरी हुई प्रार्थना किया, क्योंकि मालूम है यही वचन के द्वारा प्रभु काम करेंगे, यही वचन मेरे हृदय में जीवित नहीं रहेगा, जिंदा विश्वास में नहीं रहेगा, प्रभु मेरे साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए शुरू में ही 4:16 रोमियो में प्रभु ने कहा, आपकी विश्वास की आधारित निर्णय होगी ये आप पाने वाला है या ना पाने वाला है। हाँ प्रियो, प्रभु ने शुरू कर रहे हैं, अब जवाब जय पा लिया, अब अपना वचन को पूरा कर रहे हैं। पूरा करने के समय जैसा प्रभु कहा था वैसे ये घर को आशीष का वारिस करने के लिए, आशीष का वारिस होने का काम पूरा करने के लिए प्रभु उतर आया। जैसा कहा वैसे याद किया, फिर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। अब्राहम प्रभु के वचन के अनुसार विश्वास में दृढ़ होकर उन्होंने आशा भरी हुई प्रार्थना किया, विश्वास का प्रार्थना किया। परमेश्वर भी अपने वचन के अनुसार अब्राहम के घर में सारा के द्वारा काम कर रहे हैं। वचन दूसरा, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसकी, यहां वचन बतलाती है बुढ़ापन की स्थिति में, यहां एक से लेकर आराम से 6 तक घर में पड़ी। अब प्रभु अपना वचन को पूरा किया, अब इन लोग की गवाही है, इन लोग का गवाही कैसा है, यहां इन लोग किस तरीके से ये गवाही को प्रकट कर रहे हैं, हम 5 और 6 पढ़ रहे हैं। जब अब्राहम का पुत्र ईसाक का उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाला भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। सारा बोल रही है, ये बुढ़ा बुढ़ी को प्रभु ने जो काम किया है अपना कहा हुआ वचन के अनुसार, यहां 2:1-2 में लिखा है प्रभु का ठहराया हुआ, दूसरा वचन जो प्रभु ने उससे ठहराया हुआ समय में निफ्ट
नियुक्त समय पर जो प्रभु ने उससे ठहराया था, एक पुत्र परमेश्वर की ठहराया हुआ समय नियुक्त किया हुआ समय में मेरे घर में आशीष का काम करते। मनुष्य की सोच, परमेश्वर की सोच, आकाश और पृथ्वी का अंतर करके इस नबी के द्वारा प्रभु ने हमें इशारा किया। ये घर में जो कुछ हुई मनुष्य की दृष्टि में समय पार हो गया, सब समय निकल गया, अब नकाम है। लेकिन मनुष्य के लिए जो खत्म है, सारा समय पार हो गया, प्रभु के लिए आरंभ है। ये गवाही दे रहे हैं, प्रभु ऐसा हमारे साथ काम किया, हम खुद ही इस आश्चर्य काम को देख करके आनंदित है। ये गवाही को जो भी सुनेगा, अब्राहम को, सारा को परमेश्वर ने इस उम्र में बच्चे दिए, आशीष का वारिस दिए, सब लोग आनंदित होंगे, सब लोग आश्चर्य होंगे। ऐसा गवाही में परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए चाहता है। अब्राहम के घर में एक संतान का विषय है, एक बच्चे का विषय, लेकिन आपका घर का विषय दूसरा होगा, आपकी आवश्यकता दूसरा होगा, आपकी जरूरत दूसरी होगी। कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी कठिन और नाकाम और असंभव की नजर आएगी, नियम एक ही है, तरीका एक ही है। यही विश्वास का प्रार्थना का नियम है। हमारा समस्या में इसी तरह का विश्वास, नकाम की जगह पर, निराशा का जगह पर, खत्म स्थिति की जगह पर, अविश्वास को जगह ना देकर, संदेह को जगह ना देकर, निराशा को जगह ना देकर, और वहां पर लिखा है ही नहीं है, प्रभु ने काम किया, प्रभु ने मेरे साथ भला किया, धन्यवाद 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 बोलकर अपना विश्वास को कमजोर होने ना देने के कारण हर बार अंगीकार कर रहे थे, मेरा प्रभु मेरे साथ, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा। जब ये स्थिति देकर प्रभु आशीष का वारिस बनाने के लिए यहाँ उतर आया, जब ये आशीष का वारिस बने हैं, वे खुद ही बोल रहे, मुझे आश्चर्य लग रही है, ये बात से मेरी हृदय आनंद से भरी है, इसको जो जो सुनेगा वे भी आनंदित होंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रियो, आज हम भी इसी तरह का आशीष का वारिस होने के लिए अब्राहम के जैसे प्रभु हमें भी कहता है, विश्वास का प्रार्थना करके इसी तरीके से गवाही में खड़े हो जाओ। मैं अब्राहम का परमेश्वर, जैसे उनके साथ काम किए, आज आपके साथ भी काम करने के लिए ये सब वचन को लिखकर आपके हाथ में प्रभु ने दिया। प्रिय, बाग एक में ये भी हम देख रहे थे, वहां पर गिनती किताब 22 23 24 में हमने अध्ययन किया। परमेश्वर जब इस चमत्कार तरीके पर जो आशीष का वारिस बनकर प्रभु में आगे बढ़ता है, अब्राहम को 12वां अध्याय उत्पत्ति में यह भी वचन दिया, जो आपको आशीर्वाद करेंगे वो उनको हम आशीष देंगे, जो आपको श्राप देंगे उनको हम श्राप देंगे। आगे अगला पीढ़ी में इस समय में जो आपको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो श्राप देगा वो खुद ही श्रापित होगा। गिनती में वो बलाम वहां पर प्रभु के लोगों को श्राप देने के लिए जबरदस्त पीछे पड़े। परमेश्वर जो उसने इस्तेमाल किया चलने के लिए, वो गद्दे की आंख को खोलकर दिखाया, सुनो जो जगह जा रहे हैं गलत है, मेरे लोग है, हम आशीष दे चुके हैं, आप श्राप दे ही नहीं सकते हैं, वे आशीष के लोग हैं। प्रभु अपने लोगों को केवल आशीष का वारिस, किस प्रकार एक आशीष का वारिस बनता है अब्राहम की जीवन से देख रहे थे। रोमियों 4 अध्याय से, उत्पत्ति 21वां अध्याय से, कैसा एक मनुष्य आशीष का वारिस बनते, उस परिवार को, वो जीवन को, उस घर को जब श्रापित करने के लिए मनुष्य घूमता है, परमेश्वर दिदाई से रोकता है उनको। परमेश्वर को मालूम है ये आशीष का वारिस किस प्रकार पाया है। हाँ प्रिय, साधारण नहीं। अब्राहम रोमियों 4 अध्याय में
17 से लेकर 22 तक जो प्रार्थना करके जय पाया आशीष का वारिस होने के लिए, यह साधारण नहीं है। प्रभु में विश्वास की क्षेत्र में वो जय पाया वह लोगों को परमेश्वर कोई दुष्ट छूने के लिए, कोई शैतान छूने के लिए, वो श्रापित करने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देता है। गिनती में भी हम देख रहे थे अब्राहम के घर में, हम यही 20वां अध्याय में हम उदाहरण दे रहे। इन लोग आगे बढ़ रहे, सारा बहुत सुंदर होने के कारण अब्राहम ने सारा से बात करके रखे, जहां कहीं भी जाएंगे कोई भी पूछेगा हमारे बीच का रिश्ता क्या है, पति पत्नी नहीं बोलना है, भाई बहन बोलना है, तुम्हारी सुंदरता के कारण मुझे लोग मार डालेगा, मेरा जीवन बचने के लिए ये सहायता करो, दोनों के बीच में एक बातचीत था। इसी से आप समझ सकते हैं कितनी बुरी युग में वे बढ़ रहे थे, जिस दुनिया में वो जी रहे थे वो कितना खतरनाक दुनिया था, अपने रिश्ते को भी बागर नहीं बोल सकते थे। उस तरह का दुष्टों के बीच में निवास करने वाला अब्राहम को उन दुष्टों से, उन विरोधियों से, उन शत्रु से परमेश्वर कैसे रक्षा करके आगे अगुवाई किया। जैसा गिनती में प्रभु का झुंड पर कितनी दून के साथ प्रभु खड़ा हो गया, गद्दे को बढ़ने ही नहीं दिया, जब वो व्यक्ति टोना करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला वो व्यक्ति उस गद्दे को जबरदस्ती करने के समय प्रभु उसका मुंह खोल दिया। गद्दे बोल रहा, बचपन से जहां जहां टोना करने के लिए, किसी घर को, परिवार को बर्बाद करने के लिए जाते थे, हम आपको ले जाते थे, अब जो जो बताते थे हम आपको आज्ञा मानते थे, लेकिन यहां ऐसे हम कर नहीं सकते क्योंकि ये यहां प्रभु है, ये प्रभु के लोग है, ये आशीष पाया वो लोग है। हमको आज ये सच्चाई मालूम हो गया, ये सत्यता मालूम होने के बाद मेरे जीवन में ये गलती को दोबारा नहीं करेंगे। गद्दे एक सही निर्णय जीवन में लिया है, तब भी ये व्यक्ति बुराई करने के लिए पार किया, इसका अंक भी प्रभु खोल दिया वह, तब भी रुका नहीं, तब चलकर 24वां अध्याय में प्रभु कहा, सुनो इसको जो आशीष देगा आशीष पाएगा, इसको जो श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। चौकस शत्रु को प्रभु का चौकस, वही आज अब्राहम से ही वो आशीष को, आशीष का वारिस को रक्षा करने की बतिया हम देखते हैं। 20 में अब अब्राहम वहां गया था, हम पढ़ रहे हैं 20 का एक, फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा, वहां पर जहां पर रहन सहन का डेरा किया। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है, इसलिए वहां का राजा अमीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुला लिया। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। अब देश का राजा अब्राहम का पत्नी को लेकर चल दिया। आपको मालूम है राजा से बड़ा कोई नहीं है, कोई उनके सामने खड़े भी वो नहीं हो सकते, स्थिति खत्म है, कोई मनुष्य मदद नहीं कर सकते हैं, कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। अब बाइबल बतलाती है आशीष का वारिस के साथ, जिसके साथ परमेश्वर लगातार चलते हैं, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसको परमेश्वर अपनी योजना में लेकर चल रहे हैं, जिसको प्रभु अपना लिए, वो अपने लोगों के लिए कितना दून रखते हैं। गिनती 22, 23, 24 में देख रहे थे, यहां भी हम देखने जा रहे हैं। वचन 3, कोई मनुष्य नहीं। दूसरा वचन में राजा ने गलत विचार में सारा को ले लिया, अब्राहम की पत्नी को ले लिया। वचन 3, अब्राहम ने अपने उस तीसरा वचन, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, प्रभु पहुंच गया। प्रभु राजा उन दिनों में लगातार देखेंगे, प्रभु कभी भी भक्तों के पास भी क्यों ना हो, अनजाति को इशारा देना है, चेतावनी देना है, योजना देना है। पिछले वक्त में आप दानियल के किताब से अध्ययन करने के समय देख रहे थे, वो राजा को उनकी शासन से लेकर अंतिम राज्य तक प्रभु ने स्वप्न के द्वारा बता दिया, उसी को तो दानियल की
सहायता करना पड़ा उसको समझाने के लिए। हम प्रियो ये दानियल दूसरी अध्याय में हम अध्ययन कर रहे थे। यहां भी ये राजा जब अब्राहम के घर को बर्बाद करने का काम में लग गया है, अब परमेश्वर तीसरा वचन में लिखा है वहां पहुंच गया, स्वप्न में अब्राहम के पास पहुंच गया। अब्राहम का परिवार को बचाने के लिए अबीमेलेक राजा के पास पहुंच गया। देखिए अभी परमेश्वर का शब्द को केवल हम इशारा दे रहे हैं ताकि प्रभु अपने लोगों के लिए कितने दून के साथ आज भी खड़े हैं प्रभु के लोग जानना है। वहां पर स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर प्रभु का, सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। तो फलाना का पत्नी है जो स्त्री को आप ले आए मर जाएगा। जिंदा रहेगा तब ना पाप करेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा क्या करेगा। प्रभु अपने लोगों को उतना दूर रखने वाला, क्योंकि वचन दिया जो तुम्हें छुएगा मेरी पुतली को छूता है। कोई मनुष्य नहीं, कोई देर भी नहीं, जैसा लेकर गया प्रभु पहुंच गया तुरंत। प्रभु कहता है जो स्त्री को आप ले आए ना तू मर गया सोचो। तो बीच में आप आराम से वहां पढ़िएगा, ये आदमी चार और पांच में कहता है हम नहीं जानते उसका पत्नी, हम कोई गलत नहीं किए, इनके साथ हमने कोई गलत काम नहीं किया है। ये प्रभु भी कहा, हम वचन पढ़ रहे हैं पांच छह में, चार पांच छह को पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से परमेश्वर और ये राजा के बीच की बात को थोड़ा देखिएगा। क्या उसने स्वयं मुझसे नहीं कहा वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी वो पूरा अपना भाव सच्चा है, हम कोई गलत आदमी नहीं है, प्रभु आप मुझे क्यों मारना है। वचन छह, परमेश्वर ने उसके स्वप्न में कहा हां मैं भी जानता हूं कि आपने मन की कराई से तूने ये काम किया है, तो भी मेरे लोगों को छूने की आदत, मेरे लोगों को छूने की अनुमति नहीं है, आप गलती नहीं किए, तो भी मुझे चिताना जरूरी है। आगे परमेश्वर का वचन उनके लिए, मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरोध में पाप ना करे। और वो स्त्री को, तो गलत नहीं किया क्यों बेटा, आपको मालूम है अबीमेलेक ये राजा जी, अब क्यों पाप नहीं किया, पता है हमने आपको रोका ताकि वो स्त्री को छूकर मेरे विरोध में आप पाप ना करें। मेरे लोगों को छूने का मतलब आप मेरे विरोध में पाप कर रहे हैं, मेरे विरोध में पाप कर रहे हैं, उनके साथ गलत नहीं हो रही है, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। अब्राहम के साथ हुआ, आने वाला पीढ़ी के साथ हुआ, जुंड के साथ सैकड़ों पीढ़ी पार करने के बाद भी गिनती 22 23 24 में आपने देखा प्रभु अपने लोगों के लिए उत्तर आ गया है। क्या ये बात नया नियम में यीशु का समय में भी है, यीशु के बाद पीटर पाल पौलोस आगे भी है जो आज हमारे साथ तभी ना समझ सकते हैं, होने का संभावना बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम आपको समझने के लिए दिखा रहे हैं, हम नौवां अध्याय में प्रेरितों का, जैसे यहां परमेश्वर काम किया, यीशु मसीह सेवा करके स्वर्ग चल दे, पीटर पाल पत्रोस और पौलोस यीशु मसीह का चर्च की आगे का सेवकाई को जबरदस्त सामर्थ्य ढंग में कर रहे हैं। पौलोस पीटर का समय में यीशु मसीह जाने के बाद चर्च को दुख दिया जा रहा, हम खुद ही पढ़ रहे हैं ना, पहले आठ का एक पढ़ रहे हैं, आठ का एक पढ़ेंगे तब आपको आगे समझ में आएगा। प्रेरितों का काम आठ का एक, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गई। किस तरह काम किया, वचन तीन 18 का तीन, साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुष और स्त्री को घसेट घसेट कर
जेल में डाल दिया किसी को। नौवा नौ का ये किस दिमाग से घूम रहे थे। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। आठ का एक तीन, नौ का एक, धमकाने, घसीट घसीट कर मारना, मार डालना, जेल में डाल देना। चर्च को बाइबल बतलाती है उजाड़ रहा था, घरेलू प्रार्थना में घुस घुस करके उजाड़ रहा था, क्या स्त्री क्या पुरुष। प्रभु देखते आया, प्रभु देखते आया। अब्राहम के जीवन के लिए, कुटुंब के लिए, अभिमेलेक राजा के पास जो परमेश्वर बाइबल का पहला किताब में उतर आया है, वही प्रभु यहां भी उतर आया। प्रभु में कोई परिवर्तन नहीं, प्रभु में कोई परिवर्तन नहीं। हम प्रियो, बाइबल बतलाती है, हम पीछे पढ़ रहे हैं वहां पर तीसरा वचन से पढ़ रहे हैं, परंतु चलते चलते जब वो तमस्क के निकट पहुंचा तो एक एक आकाश से उससे चारों ओर ज्योति चमकी। वचन चार, वो भूमि पर, साउल भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, ये साउल तू मुझे क्यों सताता। अब साउल पूछ रहा है, साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता। ये नहीं पूछा चर्च में, चर्च क्यों उजाड़ रहे, घरेलू प्रार्थना में घुस घुस करके क्यों मेरे लोगों को उजाड़ रहे, ये नहीं पूछ रहे थे। उनको क्यों मार रहे, ये नहीं पूछ रहे थे। मुझे क्यों सताते हैं, मुझे क्यों दुख देते हैं। प्रभु के लोगों को छूने का मतलब प्रभु को छूने की बात है। प्रभु के लोगों के विरोध में काम करने का मतलब प्रभु के विरोध में काम करना। अभी मैं एक राजा के पास प्रभु का, मैं आपको रोक के रखा, मेरा बेटी सारा को चून नहीं दिया क्योंकि आप मेरे विरोध में पाप ना करें। वही प्रभु यहां, तू मुझे क्यों सताता है साउल, मुझे क्यों दुख देता है साउल। सीधे ये व्यक्ति को मालूम हो गया क्या हमने कर रहे, परमेश्वर कोई जगह नहीं दी, अब क्यों सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जाओ और जो तुझे करना है वो तुझे कहा जाएगा। अब जाइए यहां से, ये काम बंद करेंगे। अच्छा है साउल यहां पर ये काम बंद करेंगे। अच्छा अब जाइए फलाना जगह जाइए, मेरा सेवक आएगा, हम बताएंगे क्या करना है। साउल ने आगे पीछे एक शब्द बोला नहीं, अपने आप को समर्पित करके यीशु के बाद एक जबरदस्त सेवकाई किया। तो पीटर है यहां, साउल का नाम भी जबरदस्त है। ये व्यक्ति पौलुस बनकर प्रभु की महिमा के लिए जितना अगला को दुख दिया है उससे बढ़कर दुख उठाकर यीशु के लिए ये जीवन को ये धरती में पूरा किया। प्रिय, यही है सच्चा उदार का जीवन। प्रभु में आकर जो बदमाशी करके साउल के जैसे चर्च को बर्बाद कर रहे हैं, आत्मा को बर्बाद कर रहे हैं, भाई बहनों को बर्बाद कर रहे हैं, घर घर में होने वाली प्रार्थना की नक्शा को, प्रार्थना को बर्बाद कर, जो व्यक्ति आठ का एक तीन में जो किया है, नौ का एक में आगे कर रहा था, प्रभु पहुंच गया। ये नहीं है, ये मन फिराव नहीं है, ये प्रभु का हो ही नहीं सकता, प्रभु का हो ही नहीं सकता। साउल भी बाइबल वचन को लेकर वो भी ड्रामा कर रहे थे, वो मूसा का उस समय का बाइबल को नंबर एक का स्थान में बढ़िया से उसको रटने वाला व्यक्ति है, लेकिन सत्यता को, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को ना समझा, प्रभु की मुलाकात से अपने आप को सौंप दिया। प्रिय, आज भी प्रभु का जो आपको आशीर्वाद देगा वो आशीष पाएगा, जो आपको श्राप देगा वो खुद ही श्रापित होगा। उसी वक्त जो अब्राहम के घर में उतर आए हैं बचाने के लिए,
गिनती किताब 22 23 24 में अपना दल को वाटिका को बचाने के लिए उतर आए हैं, अपनी चर्च को घरेलू प्रार्थना को बचाने के लिए साउल के पास उतर आए हैं। वो यीशु आज भी अपने वाटिका में, हमारे चर्च में, हमारी सीमा रेखा में, प्रभु की संगति में जिंदा है, यह वचन को पूर्ण करने के लिए। आज भी यही वचन के अनुसार सब कुछ चल रही है। हाँ प्रियो, और भी है बहुत सारा उदाहरण, हम बोलते ही जाएंगे। और एक बोल देते हैं ताकि ये कैसे अपने लोगों के लिए प्रभु दून दिखाता, गलत तरीके से बर्ताव, संगति से क्यों ना हो, प्रभु के लोगों के साथ क्यों ना हो, सेवक के साथ क्यों ना हो, अगवे के, चौकस चौकस, जैसा करनी वैसा भरनी। हाँ, बाइबल बतलाती है। अय्यूब 42वां अध्याय को थोड़ा निकालना चाहते हैं। वहां भी उन तीन वहां दोस्तों के नाम से, दोस्त लोग क्यों आया, अय्यूब की तसली देने के लिए। ये तसली का काम किया बिल्कुल नहीं, बोलकर आया, अय्यूब को हम तसली दे रहे, हमारी शब्द से शायद उनको शांति मिले, वो दृढ़ होकर उठ जाएगा। नहीं, उनकी बातों से परमेश्वर का वचन बतलाती है। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बतलाती है, हम वो यहाँ पर अय्यूब 42वां अध्याय में 6 से लेकर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर गिरना आती है और धूल और राख में पछताप करता है। अय्यूब 7 से पढ़ रहे हैं, 42 का 7 से। अब देखिएगा, परमेश्वर अय्यूब के साथ ये मित्र लोग, दोस्त लोग का बर्ताव में कितना गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपास से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्र पर भटका है, क्योंकि जैसा ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोग ने नहीं कही। इसलिए अब तुम क्या 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 लेना है, प्रभु कहता है। ये सुनकर ये तीन लोग, प्रभु कह रहा है अय्यूब प्रार्थना करेगा, हम आपको दया करेंगे, तब क्षमा होगी, बचना है उस समय का, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन देने के बाद वो बलि चढ़ाने का नियम खत्म हो गया, क्योंकि यीशु ने हमारे कारण सर्वदा का बलि चढ़ा दिया, इसलिए आज वो नियम। लेकिन उस समय में नियम क्या, ये ले लो, ये ले लो, ये ले, इन सब बातों के द्वारा बलि चढ़ाकर अय्यूब से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए बोलो, अय्यूब की प्रार्थना को हम सुनकर, बाइबल बतलाती है वहां 9 और 10वां वचन से हम आपको याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। 42 में 9 और 10वां, ये यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। मूल बात को हम इशारा दे रहे हैं, 9 का आखिरी लाइन, परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना की ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, वचन 10, मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने, परमेश्वर ने सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसको दुगुना का आशीष। जब जब शत्रु आकर बर्बाद करते थे, हर परीक्षा के बाद प्रभु के लोग दो गुने का आशीष का वारिस में बढ़ते तो गए, घटने की जगह में परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। अय्यूब के साथ भी अनुचित बोली के लिए भी परमेश्वर ने वहां अनुमति नहीं दिया, अब्राहम की परिवार को ना छूने दिया, गिनती में अपने लोगों की पीछे पड़ना नहीं दिया, आपस में तसली के नाम से जो बोली अय्यूब को घायल करके गिरा दिया है, मनोबल को गिरा दिया है, उनकी निराशा का स्थिति में डालने का काम किया है, बोली पर परमेश्वर का क्रोध उतर आया। आपस का बोली बहुत मुख्य है, वही पहला भाग में, पहला वचन, पहला पत्र 30 में, बोली बोली पर चौकस, जीभ पर चौकस, मुंह की बात पर चौकस। सभा उपदेशक 5वां अध्याय से भी हमने ये बात को
याद दिलाए थे प्रभु के भवन में आने के समय तुम्हारा बोली से चौकस, तुम्हारी बोली के कारण तुम्हारा कामों को आने वाला आशीष को क्यों खत्म कर रहे हैं? परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। अब्राहम के जैसे विश्वास की प्रार्थना करके आशीष पाने के लिए रोमियों 4 के अनुसार प्रभु आज हमें सिखाया, आशीष पाकर प्रभु में बढ़ने वाला अपने लोगों के लिए हरदम परमेश्वर ढूंढ रखता। वो अब्राहम के घर में क्यों ना हो, पीछे यीशु मसीह का चर्च, पीटर के द्वारा चलने वाला चर्च क्यों ना हो, सौल के पास परमेश्वर प्रेरित नौवा अध्याय में दोनों एक ही तरह, तू मेरे विरोध में नहीं, मुझे क्यों दुख दे रहे। आज भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अय्यूब के घर में चले आए, उनके जीवन में अनुचित बर्ताव करते हुए नजर आए तो चले आए। अय्यूब प्रार्थना किया, बाइबल बतलाती अय्यूब की प्रार्थना, प्रभु अय्यूब के चेहरे को देखा, उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया, तब ये 3 बच गया। वहां उत्पत्ति में अब्राहम अबीमेलेक का घर के लिए प्रार्थना किया, अबीमेलेक का घर में जितनी सारी स्त्री की गर्भ को प्रभु बंद करके रखा, सारा के निमित्त, सारा को लेकर आने के निमित्त, चुने के निमित्त, अब्राहम प्रार्थना करने के कारण उनका गर्भ को खोल दिया। अब्राहम प्रार्थना करने से ही अबीमेलेक बच पाया। राजा प्रभु से बहस कर हम कहां गलती किए, नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा अब्राहम प्रार्थना करेगा तब तो तुम्हारा स्त्री का गर्भ खुलेगी, नहीं तो कभी संतान नहीं रहेगा, कभी तुम्हारे घर में, राजा लोग का मुख्य क्या है, पैसा धन दौलत, कदापि नहीं, बच्चा उस सिंहासन में हर समय युगानुयुग के लिए उनके अनुसार पीढ़ी से पीढ़ी तक वो कुर्सी में बैठने वाला संतान चाहिए, संतान के लिए पहला स्थान, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। यहां वहां पर 20वां अध्याय के अंतिम वचन में आप देख सकते हैं अब्राहम की प्रार्थना को प्रभु सुनकर, अब्राहम की प्रार्थना को प्रभु सुनकर, अभी हम आपके लिए पढ़ ले रहे हैं उत्पत्ति 20:18, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की को पूरी रीति से बंद कर दिया। तब परमेश्वर ने अब्राहम से जैसे आ गया, अब्राहम की प्रार्थना से, अब्राहम 17:20 पढ़ रहे हैं, अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासों की चंगा किया और वे फिर उनके गर्भ बच्चे देने की आशीष की जगह में लौट आए, क्योंकि अंतिम वचन बतलाती है सारा के कारण सब स्त्री की गर्भ को प्रभु बंद कर दिया। अय्यूब की प्रार्थना से मित्र लोगों की बचाव, सौल अपने को पूरी तौर से समर्पित किया, हमने जो भी किया स्वामी प्रायश्चित के लिए तैयार, इसलिए जितने चेले थे सब दुख उठाए, लेकिन ये सौल जितना चर्च को दुख दिया उससे बढ़कर सेवा में दुख उठाकर यीशु के लिए अपना जीवन को सच्चाई से पूरा करके प्रभु के पास पहुंचा। प्रियो, जैसे पिछले बार अंतिम वचन व्यवस्था विवरण में प्रभु कहा, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े थे श्रापित देने के लिए, मैंने उन श्राप को रोककर तुम्हारे लिए आशीष बनाकर भेजा। प्रभु ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं अपने लोगों से हम बहुत प्रेम करते हैं, आज भी प्रभु आपसे प्रेम करता है। इसलिए पीटर भी क्यों ना हो, पाल भी, यीशु मसीह के बाद ये 2 अगुवे के द्वारा जबरदस्त सेवा नया नियम का समय में हुआ। पीटर 3 अध्याय, 1 पीटर 3 अध्याय में क्या कहा हम, 1 पत्रुस 3 अध्याय से पिछले बार देखे, ये पौलुस प्रभु का भक्त, वो भी यही सत्यता को इशारा किया, मूल मूल बात को हम इशारा करके हम आज का
वचन को अंत करने के लिए जा रहे हैं। रोमियो 12वां अध्याय, ये अपने चर्च को आशीष का वारिस की सफलता के लिए पीटर जैसी पहला पत्रस 3 अध्याय में भाग 1 में बताएं, भाग 2 में पौलुस अपना प्रभु यीशु की चर्च को किस तरह सुझाव दे रहे हैं। 12:1 में बोल रहे हैं, इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का जो बाता है वह बलिदान करके चढ़ावो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा से आत्मिक सेवा। दो बात आराधना को भी दर्शाती है, प्रभु की सेवा को भी दर्शाती है। शरीर को जीवित पवित्र प्रभु के लिए जो प्रसन्न प्रिय है वो आशीष का वारिस होने का काम के लिए अर्पण करो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी अगला अनुवाद में लिखा, यही तुम्हारी बुद्धि की आराधना है। प्रभु की महिमा होने पाए, आशीष का वारिस होना है। प्रभु के लोग अपना शरीर को प्रभु के लिए सच्चा और पवित्र और प्रभु का प्रिय जीवन के लिए अर्पण कीजिए, ताकि ये विश्वास की प्रार्थना गवाही बनकर आप करने का समय, अब्राहम के जैसे आप भी अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर के तरफ से आशीष का स्रोता का जीवन जिएंगे। इसी के लिए आज ये वचन आ रही है, साल को अंत करने के लिए जा रहे, अंतिम महीने में पहुंच रहे हैं। प्रभु आपको सहायता करे, जहां जहां सुधार कर विश्वास की अंगीकार का प्रार्थना अब्राहम के जैसे करके आप आशीष का वारिस में बनते जाएं, बढ़ते जाएं, प्रभु की ओर से सुखद जीवन जिए, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। हमारा जीवन क्या प्रभु में पवित्र है, प्रभु का प्रसन्न योग्य है, वचन के अनुसार है, ऐसा समर्पित करके हम प्रभु में बढ़ने के समय, यही बुद्धि की आराधना, यही आत्मिक सेवा करके। वचन 2 में, संसार का वेश मत पहनो, आपका संगति जो प्रभु में है। दूसरा वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे मन की नई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहें, बढ़ते रहें, सिद्ध होते रहें, एक दिन प्रभु की महिमा में प्रवेश करें, प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। तो प्रभु में कैसा जीवन जीना चाहिए, 1 और 2 में बता दिया, 9 से लेकर 21 तक, वहां पर 19 तक घर में आराम से पढ़िए, 9 से 19 तक ये 10 वचन को आराम से पढ़िए। पहला पत्रस 3:9 से जैसे आप वहां पढ़ रहे थे लगभग यहां और वर्णन के साथ है, लेकिन वही सत्यता है, थोड़ा और तरीके से यहां दिया, मूल मूल बात को हम आपको पढ़ रहे हैं। आपस में बुराई से घृणा करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली नहीं, तो आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु बोला यहां बुराई को घृणित कर। 12:9 रोमियो, पहला सत्यता, दूसरा वह कई एक लगातार है, मूल बात को हम पढ़ते जा रहे हैं, आशा में आनंदित रहो, कलेश में प्रभु के नाम से जो कलेश दुख उठा रहे स्थिर रहो, प्रार्थना में निरंतर बने रहो। पवी वहां पर लिखा है 15, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो, रोने वाला के साथ रोने, संगति में अपने लोग के साथ आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना करो परंतु दोनों के दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना, अपने को बुद्धिमान करके घमंड में मत आना, नम्रता दीनता मेल मिलाप, एक दूसरे की मेल मिलाप एक संगति में जो चाहिए, जहां तक हो सके तुम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की यतन करो, ढूंढो हे प्रियो। सबसे आखिरी 19वां वचन बहुत मुख्य है, ये कहता है हे प्रियो बदला ना लेना, गाली के बदले गाली बुराई नहीं, यहां सीधा बात कर रहा है, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर का क्रोध को अवसर दो, जो गलत कर रहे हैं प्रभु को सीधे काम करना दो, तुम क्यों घुसते हो, तुम मत घुसो, बदला लेने का काम तुम्हारा नहीं है, क्रोध को प्रभु के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आज अब्राहम को 12वां अध्याय में 3:2-3 में लिखा,
तुम्हारे साथ जो आशीष का काम करेगा आशीष का बदले भी हम ही करेंगे, तुम्हारे साथ जो बुराई करेगा उसका बदला भी हम ही देंगे, श्राप का बदला भी हम ही देंगे, आशीष का बदला, भलाई क्यों ना हो बुराई, बदला मेरा काम है। कई लोग अपने जिंदगी को बर्बाद इसलिए कर रहे हैं, प्रभु जो बदला लेना वो बदला को लेने के लिए हम चर्च इसलिए उजाड़ रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं, हम घरेलू प्रार्थना को इसलिए उजाड़ रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं, हम भाई बहनों को इसलिए उजाड़ रहे हैं जैसा सऊल ने किया था। नया नियम प्रेरित 8:1-9 परमेश्वर कहता है तू मुझे सताते हो क्योंकि बदला लेने वाला काम मेरा है। जीवित परमेश्वर के आत्मे पढ़ना भयानक है, भयानक है। हम मनुष्य केवल आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु ने बुलाया। हमारे साथ जो बुराई करेगा वो भी प्रभु का काम है बदला देना, हमारे साथ जो अच्छा काम करेंगे उसका बदला भी प्रभु का काम है। कई लोग बकते हैं नया नियम है पुराना नियम नहीं है। पहले का समय में जो होता था अब्राहम मूसा वो सभी अभी नहीं है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। एक दो वचन जो आज बाग एक बाग दो जो सत्यता को हमने देखा है, पिछले बार गलातियों से हमने प्रमाणित किया सत्यता को, अब्राहम में जो आशीष यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में पूरी होती है। साफ तरीके से प्रभु ने कहा आज भी सत्यता को छोड़कर ये जीवन ये आशीष जो अब्राहम में आज जो भी पढ़ रहे थे वो मेरा होने के लिए, मेरा पूरे घर के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरी पीढ़ी से पीढ़ी में ये आशीष को देने के लिए, जैसी परमेश्वर अब्राहम के साथ भक्तों के साथ काम किया आज मेरे साथ भी वही काम करने के लिए ये वचन आपके पास आया है। रोमियो 4:23-24 को हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो 4:23-24 ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये वचन को जो विश्वास करते हैं वे आशीष का वारिस होने के लिए गिना गया, यही प्रभु का नियम है। ना केवल उसी के लिए लिखा है, ना केवल उसी के लिए लिखा मैंने, ना केवल अब्राहम के लिए, पहले का लोगों के लिए नहीं लिखा। 24 वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो प्रभु के द्वारा आज मेरे जीवन में ये पूरी है। ये हमारे लिए भी, केवल अब्राहम के लिए, अब्राहम के बारे में पहले के लोगों के बारे में करके नहीं, ये हमारे लिए, हमारे लिए लिखा है। हम भी विश्वास करके ये आशीष का जीवन को अपनाने, पहला किताब में जो लिखी हुई है अब्राहम के समय में जो प्रभु का मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे पीढ़ी में यही आशीष जैसा वो पाया विश्वास करके हम भी पाकर प्रभु के पास पहुंचने के लिए। सत्यता यहां पर हम देखते हैं रोमियो 15:4-5 में प्रभु कहता है जो नहीं बोलते उनके लिए यह सत्यता छोड़ रहे, अंतिम समय है, कोई भी गलत सत्यता में पढ़कर आशीषों को गवाकर श्रापित होकर नरक में शैतान के लिए जो तैयार रखा है, तैयार किया गया, वो जगह में ना जाए। 15:4-5 रोमियो जितनी बातें पहले से बाइबल का पहले पन्ने से अब्राहम से उसके पहले भक्तों से जो लिखी गई है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। हम उस नियम को पाकर ये जीवन को जिए। और एक वह हम अब्राहम सीधा मूसा के पास दिखा रहे थे, मूसा का समय कभी एक घटना यहां पर दिखा देते हैं क्योंकि लोग उधर होता है वो यहां नहीं चलता। नहीं प्रियो, बाइबल को बढ़िया से पकड़ना है, गलती पकड़कर प्रभु का वचन को झूठा बनाकर बाइबल में लिखा उन झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में अंतिम किताब में, उन झूठों का बात, प्रभु का वचन को झूठा मत बनाइए किसी चक्कर में, शांति से सच्चाई को ढूंढिए, पाइए, जीवन को बचाइए। चेतावनी के लिए हम ये वचन पढ़ रहे हैं 10:11 पहला कुरिन्थियों 10 का
11। परंतु ये बातें, ये सब बातें जो उन पर पड़ी, मूसा का समय में इजरायली लोगों पर पड़ी है, वचन दिखता है, दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत की अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। हमारी चेतावनी के लिए, दुनिया के अंत में आज हम जी रहे हैं, हमारे कारण ये वचन को प्रभु लिख कर दिया। इस वचन के अनुसार चौकसी होते हुए अपना जीवन को प्रभु में बढ़ाते जाने के लिए, प्रभु की महिमा होने पाए। आज भी और एक बार दो बाग से हम लगातार देखें प्रभु की आशीष का वारिस। अब्राहम 12वां अध्याय में प्रभु ने वचन दिया, अब्राहम के साथ पूरा किया। गलातियों में ये हमारा भी करके पहला भाग में देख रहे थे, गिनती में देख रहे थे, प्रभु के लोगों को बर्बाद करने के लिए, श्रापित करने के लिए, नाश करने के लिए चले आए, प्रभु छूने ही नहीं दिया, वहां आ गया है। आज भी देखें अब्राहम के घर में प्रभु आ गया है, उनकी परिवार को बचाने के लिए आ गया। ना केवल प्रेरित 8 और 9 में देख रहे थे सौल चर्च को उजाड़ रहे थे, घरेलू प्रार्थना को उजाड़ रहे थे, भाई बहनों को उजाड़ रहे थे, प्रभु उत्तर आ गया। आज का चर्च के लिए परमेश्वर धूम दे रहे, प्रभु के लोगों के साथ आपस की बोली भी अनुचित लगता है। अय्यूब की घटना 42 में देख रहे थे, प्रभु आ गया, प्रभु कहा मेरा क्रोध भटक मेरे अंदर उठ रही है। प्रभु का क्रोध उठने के मतलब वो मनुष्य खत्म हो गया। अय्यूब प्रार्थना करेगा बचेंगे, वहां अब्राहम प्रार्थना करेगा ये राजा तब बचेंगे। वो बहस कर हम क्या गलती की, हम कुछ नहीं किए, ये किए, तू मर जाएगा। सारा स्त्री का गर्भ को प्रभु बंद कर दिया, उसकी बहस पर ध्यान नहीं दिया, हम ये गलती नहीं किए, वो गलती नहीं किए, हम फलाना टकाना पटाना, कोई बतिया वहां काम में नहीं आया, सारा स्त्री का गर्भ बंद हो गया। अब्राहम प्रार्थना किया तब चंगा खुल गई। प्रियो आज भी प्रभु के लोगों के साथ, दल के साथ, चर्च के साथ, घरेलू प्रार्थना के साथ, भाई बहन जो एक वाटिका में प्रभु में बढ़ रहे, सऊल के जैसे उजाड़ने का काम करके प्रभु का क्रोध में बढ़ रहे हैं, चौकस सच्चे लोगों के साथ जो आशीष का काम करेगा वो आशीष लेकर जा रहा है, श्राप कर रहा श्राप बदला आप कौन होते हैं। रोमियो 12वां अध्याय 19 में कहा बदला लेना मेरा काम है, हम करेंगे, आशीष भी हम करेंगे, श्राप भी हम करेंगे, भले काम भी बुरे काम हम, मेरा काम है। प्रभु का काम को अगर कोई लेता है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। प्रियो आशीष का वारिस होकर एक दिन हमें भी प्रभु कहना है, आशीष पाया हुआ मेरे लोग, आपके लिए तैयार किया हुआ उस प्रभु का राज्य में प्रवेश कीजिए भरपूर आशीष के साथ। अब्राहम के जैसे ये पृथ्वी में हम प्रभु की महिमा का गवाही बनकर जिएंगे, एक दिन प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए ये सत्यता जो आपके पास आया है, आप सब विश्वास के साथ ये सत्यता के अनुसार अपना जीवन को रोमियो 12वां अध्याय पहला वचन के अनुसार समर्पित करेंगे, प्रभु ये जीवन को पवित्र करके, प्रभु का प्रिय बनाकर, योग्य बनाकर, इस आशीष का जीवन में हमें वर्तमान के लिए भी ले जाना है, भविष्य में प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए भी अगुवाई करना है। अपने अपने जगह में आइए, हम अपनी आंख बंद करके हम प्रभु की ओर ताकेंगे। स्वर्गीय पिता और एक बार बाग एक बाग दो आशीष का वारिस का सत्यता के लिए धन्यवाद। विश्वास का प्रार्थना अब्राहम के जैसे, जो विश्वास करेंगे वह आशीष का वारिस होंगे, तूने वचन दिया। रोमियो 4:17-22 तक जिस तरह अब्राहम विश्वास का प्रार्थना करके जय पाया, योग्य पाया और आशीष का वारिस होने के लिए गिना गया, जितने लोग इस संगति में हैं अब्राहम के जैसे, जो है ही नहीं है, है बोलकर विश्वास कर नहीं पाए, हम प्रभु यीशु निराशा का समय में भी, नकाम का समय में भी, परमेश्वर की वचन के अनुसार आशा भरी भी
विश्वास की प्रार्थना अब्राहम के जैसे कर नहीं पाए। जब अब्राहम को पता था अपना स्थिति खत्म है, अपना पत्नी का गर्भ का स्थिति खत्म है, तब भी विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया। जितने लोग ये संगति में प्रार्थना कर रहे हैं, वो खत्म स्थिति में भी अपना विश्वास को कमजोर होने नहीं देना, अविश्वास होने नहीं दिया। आम प्रभु यीशु संदेह जीवन में आनंद नहीं दिया, परमेश्वर की वचन में दृढ़ होकर प्रभु को महिमा करने का विश्वास का प्रार्थना किया। वो निश्चय प्रभु में अपनी विश्वास को रखा, मेरा प्रभु के पास सामर्थ्य है मेरा काम को पूरी करने। ये बातें परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु जी हालेलुया प्रिय लगा, और आशीष का वारिस होने के लिए तूने उनको गिना गया है, तूने ग्रहण किया है। यही नियम से आज जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, इस विश्वास की प्रार्थना अब्राहम के जैसे करके प्रभु वे भी आशीष का वारिस में यीशु के नाम से आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने आशीष के वारिस के साथ। आज भी जितने लोग विरोध में खड़े हैं, तो छूने के लिए जगह नहीं देता है स्वामी, उनके लिए कितना दूम दिखाते हैं वो भी देखें। बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, बुराई को घृणा करो, बदला देना मेरा काम है। हाँ प्रभु यीशु, आप आपका काम कीजिए। हम लोग आशीष का वारिस में जो सच्चाई से प्रभु में करते हुए अब्राहम के जैसे गवाही में होना है अपने लिए औरों के लिए। हम आशीष का स्रोता बनकर इस आशीष का वारिस का जीवन जीना आपकी मर्जी है। आज भी यह सत्यता के द्वारा जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ये संगति के द्वारा, ये वचन के द्वारा जितने लोग इस वक्त वचन पा रहे हैं स्वामी, सभी के जीवन में ये सत्यता के द्वारा प्रभु की मर्जी पूरी होने पाए, यीशु नासरी के नाम से होने पाए। एक जन भी काली से ना लौटे, क्योंकि तूने कहा मेरा वचन जिस काम के लिए मैं भेज रहा हूं वो काम को पूरा करेगा। जितने लोग इस वचन को पाएंगे प्रभु, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए ये वचन को भेजा, वो यीशु नासरी के नाम से पूरी कर नहीं पाए, कोई भी निराश में रहे, अब्राहम के जैसे खत्म स्थिति में, नाकाम स्थिति में रहे, प्रभु की आत्मा उतर कर जैसे अब्राहम के साथ महिमा की परिपूर्ण काम किया है, वो आश्चर्य काम की गवाही में अपने लोगों को भी खड़ा कर, ताकि अब्राहम के जैसे वे भी अपने लिए औरों के लिए, पृथ्वी की कोने कोने के लोगों के लिए गवाही बनकर, आशीष का जड़ बनकर जी नहीं पाए, अनुग्रह कर, आपका नाम महिमा हो नहीं पाए, आपकी मर्जी पूरी हो नहीं पाए, लोग गवाही में खड़े हो नहीं पाए। जिस योजना से ये वचन लोग तक पहुंचा है, हम प्रतिति करते हैं तूने अपनी काम को पूरा किया है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये सत्यता की सफलता और विजयता के साथ सभी जीवन में प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे, आमीन। प्रिय, ये साल को जब हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं, अंतिम महीने में है, प्रभु ये सत्यता के द्वारा हर जीवन को विश्वास की प्रार्थना के द्वारा अब्राहम के जैसे तैयार करके आशीष का वारिस में ले जाएंगे, क्योंकि वही लोग एक दिन प्रभु का राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। आज प्रभु का आगमन होगा, प्रभु के आगमन में जाने वाला, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाला हम हो नहीं पाए। जब तक पृथ्वी में जिंदा है, प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अब्राहम के जैसे गवाही बनकर इस आशीष का जीवन को, आशीष का श्रोता बनकर जीने के लिए प्रभु आप सभी को सहायता करें, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।